विश्वविद्यालय के कुलपति मेजर डॉक्टर बलबीर सिंह हसैन जी की पुस्तक जो सुखमनी साहिब जी का हिंदी पद्य अनुवाद है उसका लोकार्पण हुआ है। और ये सुखमनी साहिब गुरुवर अर्जुन देव जी का गुरुमुखी में यह हुआ पाठ है जिसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। और यह अनुवाद क्योंकि मेजर वसीम स्वयं एक बड़े उच्च कोटि के पंजाबी हिंदी और उर्दू के कवि हैं, बहुत ही मूल्यवान महनीय अनुवाद किया है जो जो काव्य कौशल है उस सबका निर्वाह करते हुए और सुखमनी साहिब की पवित्रता और मर्यादा का भी ध्यान रखते हुए बहुत ही सुंदर अनुवाद किया है जो हिंदी के आज के दिन मैं उनको बहुत ही हार्दिकता से बधाई देते हुए सभी भारतवासियों से कहता हूँ कि आप हिंदी से प्रेम करिए, साहित्य से प्रेम करिए, साहित्य मनुष्य बनाता है और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा की प्रतिष्ठा अर्जित करे इसके लिए सभी मन से इसमें लिप्त होने लगे और सम्मान दिलाए। दिवस पर जो सम्मान पाए हैं उसको बधाई देते हैं। और ये जो पुस्तक है तो मुझे था बहुत अच्छा था साधना के पाठक में अरे शब्दों सुख पाने का जो ईश्वर के पास जाने का ये मार्ग है अपने ये थी तीर्थ करो नाम जपो इससे आत्मिक विकास से होकर हम सुख पाते हैं। हर धर्म में टोटल ब्लिस जो है आनंद सच चित आनंद आनंद पाने के ही प्रक्रिया है। आनंद में सच स्वरूप में आनंद स्वरूप में ईश्वर सुखमनी साहिब पुस्तक का लोकार्पण हुआ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुखमनी मैं सुखमनी बारे में बता दूँ आपको, सुखमनी साहब सुखमनी एक पाठ है जैसे आप लोग पाठ करते हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या और उनको पाठ पढ़ते हैं गीता वगैरह पढ़ते हैं, ये गुरु अर्जुन देव जी ने जो हमारे पंचम गुरु थे सिख धर्म के उन्होंने ये सुखवाणी अपने मुझ से उच्चारित की थी। और ये अमृतसर साहब में एक सरोवर के किनारे पेड़ के नीचे बड़े शांत भाषा मनोर में रचना रखी अपनी। और ये गुरु ग्रंथ साहब में 262 अंग में अंकित है, इसे हर कोई सिख धर्म या सिख धर्म को नहीं मानने वाले भी कोई भी इसे पढ़ते हैं और पढ़ के मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। इसमें पढ़ने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना सुनने से आता है, दोनों भाव में आपको फल प्राप्ति बराबर होती है, इसलिए ये इसका बड़ा महत्व है। इसको सुखों की मणि कहा जाता है, सुख मणि क्या होना है सुखों की मणि, वो भी जो है दुख के लिए सब कर जाते हैं उसको पाठ करने से उसको सुनने से पाठ करना चाहिए। उन्हीं के हैं। और जब हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में युद्ध करते हैं लड़ते हैं आर्थिक कठिनाइयों से या जिससे भी, केवल लड़ाई के मैदान में नहीं, वो जीत किसकी है? वाहेगुरु। इसी को हम एक दूसरे को संबोधन करते हैं तो कहते हैं वाहेगुरु जी का खालसा। मुझे आवाज़ नहीं आई, ऐसा बोलिए तो बाहर तक सुनाई दे। वाहेगुरु जी का खालसा। सुखमनी साहब जिस गुटके का, मैं इसको पुस्तक नहीं कहता, जैसे गुरु ग्रंथ साहब को भी होली बुक नहीं कहा जाता है, वो गुरु ग्रंथ कहा जाता है,
ये गुरु ग्रंथ साहब में ही जो वाणी दर्ज है गुरु अर्जन देव जी की, सबसे लंबी रचना है गुरु अर्जन देव जी की, उसमें 6 गुरुओं की वाणी है, 15 भक्तों की वाणी है, 12 भाटों की वाणी है, और तो और जो 4 सेवक थे गुरु घर के उन्होंने भी ज्ञान की बातें की, तो वो भी उसमें है। आप रामायण गीता पर हिंदुओं की मोहर लगा सकते हैं, कुरान शरीफ पर मुसलमानों की मोहर लग सकती है, बाइबल पर ईसाइयों की मोहर लग सकती है, गुरु ग्रंथ साहब पर सिखों की मोहर लग सकती है। 6 गुरुओं की वाणी, ये मान लीजिए सिख थे,